अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू द डोज ऑफ शाहिद। तो कैसे हैं आप? अच्छी तरह से फिट है, फैंटास्टिक है, सब अच्छी तरह से होंगे अपनी लाइफ में और अपनी व्हाटएवर यू आर डूइंग, सब अच्छी तरह से होंगे। तो आज का टॉपिक है फूड्स दैट इंक्रीज हेयर ग्रोथ एंड रीग्रो हेयर ऑल्सो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि भाई आप क्या बोल सकते हो कि फूड्स कौन से अच्छे वाले हैं जिससे हेयर रिग्रोथ हो जाएगा और हेयर और ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे आप मेरी लाइन देख रहे हैं, भाई यहाँ तक छोड़ने वाला है, लेट्स सी कब तक आते हैं। वेल एज लेयर नोज एवरीबडी के मेरे पास मेरे हेयर लाइन नहीं थी, अब जब से जमा कर रहा हूँ तो। और बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि भाई तुमने तो ट्रांसप्लांट किया है, कम ऑन यार, कैसे कर सकता हूँ मैं यार, इतना भी नहीं यार। लेट्स गेट लिटिल सीरियस अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, पहली बात है कि फूड्स कौन से हैं जो आपके हेयर रिग्रो करेंगे और आपके हेयर डेंसिटी बढ़ाएंगे और उनको थिकर करेंगे। पहला है एग। तो एग आप ऐसे भी खा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो पहली बात क्या है, एग को खाना कैसे, जब आप एग को बॉईल करते हैं तो वो जो एग का योक है वो निकाल दीजिए लास्ट में, जब वो पकने के बाद निकाल दीजिए, वो योक निकाल दीजिए, वाइट खा लीजिए सारा। ठीक है, सेकंड, तो सेम थिंग करना है कि आप योक निकाल दीजिए, जो वो येलो योक है, क्या कहते हैं वो चांद जो है, तो वो निकाल दीजिए अंडे से, तो जो वाइटनेस है ठीक है वो लगा लीजिए अपने स्कैल्प के ऊपर। प्योर प्रोटीन चाहिए आपको तो लगा लीजिए अपने सर के ऊपर जहाँ तक भी। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, वो मेहंदी में डाल के लगाते हैं, तो दिस इज़ दी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप मेहंदी में डाल के लगा रहे हैं तो परफेक्ट। ठीक है, वो भी एक, अगर डायरेक्ट भी लगा रहे हैं तो आधे घंटे आधा एक घंटा रख लीजिए, मगर अगर आपके बाल लंबे हैं तो डेफिनेटली सर आपको अपने बाल छोटे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो रूट्स तक पहुंचेगा तभी जब तक आप के बाल छोटे नहीं होंगे। ये सिंपल सी बात है, तो आपको रूट तक पहुंचाना है तो बाल छोटे कीजिए और आपके रूट्स तक पहुंच जाएगा डायरेक्ट वो अंडा। ठीक है, और सेकंड है बेरीज। ठीक है, और ब्लैक बेरीज मिलती है ना, तो वो आप खा सकते हैं। और थर्ड है स्पेनिश। स्पेनिश जो होती है ना पालक, तो वो भी आप खा सकते हैं। एंड फोर्थ है क्या कहते हैं इसे, ओमेगा 3 फिश ऑयल जिसे हम कहते हैं, तो नॉर्मली नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज बेहतरीन कंपनीज है फिश ऑयल की, जो आपको फिश ऑयल और जो भी जैसे मैं ये खाता हूँ, मैंने बाहर से दुबई से लाया है, ये फिश ऑयल है, प्योर फिश ऑयल है, तो मैंने दुबई से बाहर से लाया था रिसेंटली, जब मैं आया वापस तो वहाँ से लाया था मैंने। और उसके बाद है स्वीट पोटैटोज़, आप खा सकते हैं अपने हेयर को रिग्रो और थिक करने के लिए और लॉन्ग की डेंसिटी बढ़ाने के लिए। और एवोकाडोज़ तो अमंग ऑल द बेस्ट है, अगर आप खा रहे हैं दिन में एक खा रहे हैं, वीक में 2-3 खा रहे हैं, अगर ओके डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सिक्स्थ है जो नट्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, वो भी आप खा सकते हैं, उससे भी आपके। और एट्थ है सीड्स, ब्लैक सीड्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो भी खा सकते हैं आप। उसके बाद है क्या, अब आपने कभी सोचा होगा स्वीट पेपर्स आपको हेल्प करेंगे बाल आपके, तो ये सब्ज़ी में डाल के आप खा सकते हैं। ठीक है, ओइस्टर्स ए सी फूड है, तो ओइस्टर्स रेयरली लोग खाते हैं, तो अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आप खा सकते हैं। ये एक 11 तो श्रिम्प्स भी आप खा सकते हैं हेयर रिग्रो करने के लिए। बीन्स जो है आपको हेयर्स में मदद कर सकता है। और सोयाबीन जो है, तो जो मैंने आपको बताया था कि आप जब वो मिश्रण पहले वाले वीडियो में, जो मेरा थोड़ा सा अच्छा ग्रुप काम कर रहा है, जो मैंने पहला वीडियो डाला था इस हेयर के बारे में, वो सबसे पहला वाला वीडियो है, तो सोयाबीन भी अच्छा है। और मीट और तो ये सारे
फूड्स हैं आप नोट कीजिए अपनी बुक में और अपनी जहाँ पे भी है। और अगर आप सोयाबीन डायरेक्ट भी लगा रहे हैं, सोयाबीन ऑयल आप डायरेक्ट सर पे भी लगा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल बिकॉज इट्स नेचुरल एंड इट्स रियल। और कंजूसों पहली बात ये है कि मैं हमेशा आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो वॉच करते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आप मैं आपको अच्छे वीडियोज़ दे रहा हूँ तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब। हाँ, आपका दोस्त आपको बोल रहा है व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब से हमारी चैनल हमारी कम्युनिटी थोड़ी ग्रो हो जाएगी, तो हम मैं आपके साथ मुखातिब होता हूँ। और दूसरे चैनल को भी वॉच नहीं करते हो जो मेरी व्लॉग चैनल है, उस पर मैं मस्ती करता हूँ, चेक करो यार। बाकी आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड गिविंग मी सपोर्ट, प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1000 सब्स, बाकी तो बाद में देखा जाएगा, 1000 सब्स एट लीस्ट। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, पीस। सब्सक्राइब करना यार वरना कटिफ करेगा तेरा भाई, ठीक है।